अच्छा जी अगला लतीफ़ा है ऐ बंदे तो उस चीज़ से अपने जैसों पर बुज़ुर्गी कैसे जता सकता है जो तेरी नहीं तू वैसा क्यों नहीं बनता जैसा कि कलीम उल्ला ने कहा बेशक मैं तेरी तरफ़ उतारी गई खैर का मोहताज हूँ चलिए जी आगे चलते हैं जब आरफ का राज मारूफ राज से आलम में मिला तो दोनों मुतसादम हुए और जब ये राज आलम से बाहर मिले तो मुतसादम ना हुए अच्छा आरफ और मारूफ का राज। आरफ का राज मारूफ राज से आलम में मिला तो दोनों मुतसादम हुए और जब आलम से बाहर मिले तो मुतसादम ना हुए इसमें ये मेरे ख्याल में तो रफ और मरूफ की है नाफ वो होता है जो किसी को जानता है और मारूफ मारूफ वो, वो है 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 जिसको जाना जाना, 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 है। जाना, है। इसको जाना जाता जाता इसको अब आरफ जिस चीज़ को जानता है अगर वो आलम के अंदर रह के जानेगा तो बात आलम, है आलम से इस आलम दुनिया के अंदर हां दुनिया के अंदर जब रहेगा तो फिर तो उसका मारूफ तो हक ही है ना जब हक को दुनिया के अंदर रह के जानेगा तो जहरी बात है फिर तो तसादम तो आएगी ही ना क्योंकि वो उस तरह से तो नहीं एक तो जान भी नहीं सकता उसकी हकीकत को पहचान भी नहीं सकता तो इस वजह से कहा कि जब रफ और मरूफ़ आलम में मिले तो दोनों में मुतादम हुए मतलब जिसने आरफ़ ने जिस तरह से जाना और जिस तरह से मरूफ़ था वो दोनों एक जैसे नहीं थे दोनों में तसादम से मराद यही है कि दोनों में जो है वो एक तजाद कह लें या हकीकत उस तरह से नहीं है सोच रहा था उस तरह से उसके आ, नहीं, तो था। था, नहीं जो आर सोच तो रहा था मरूफ वैसा नहीं था लेकिन आलम में कहते हैं जब आलम से बाहर मिले तो फिर तसादम ना हुआ ये आगे जुमला ये है आलम से बाद मतलब अब जब अगली अगली अगले इस, अगले जान में मिले या मतलब तो इस दुनिया की कैद से बाहर हो के मिले तो उस उस मकाम पे आलम आरिफ ने जो है उसका इजराक जो, उसका जो पूरा कर लिया इशारा ए तलेब तो हक़ से हक़ को पाता है लिहाजा अपने नफ़ से इसे मत ढूँढ क्योंकि यहाँ तो अपने सवा कुछ नहीं पाता हक़ को पाने के भी जो दर्जात हैं उसमें यही है कि बंदा एक तो हक़ से हक़ को पाए मतलब ये एक है तो मुश्किल चीज़ क्योंकि सबसे बड़ा मसला यही आता है कि जो भी कोई निकलने की कोशिश करता है तो सबसे पहले तो वो अपने नफ्स के साथ ही चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करता है तो हक़ तक तो उसकी रसाई नहीं है हक़ तक तो पहुँचेगा कैसे तो हक़ तक अगर पहुँचेगा नहीं तो फिर हक़ से हक़ को पाएगा कैसे तो ये मेरे ख़्याल में अला दर्जे के अारफीन के लिए आम हमारे जितने लोगों को हम जानते हैं या जिस तरह से आम लोग तसव वाले हैं वो इस लेवल को नहीं पहुंच सकते कि वो हक़ से हक़ को पाएं वो अपने नफ़ से ही हक़ को पाने की कोशिश करते हैं और एट दी एंड वो नफ़्स ही उनके सामने आता है तो वो उसी को ही हक़ समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि हकीकत में हक़ भी वैसे ही है जैसा कि वो नफ्स की जो शक्ल उनके सामने आई तो शेख ने सिर्फ इतना कहा है कि आप इस मतलब इस वाहमे में मत गिरफ्तार हूँ कि अगर आपने एक तो नफ़्स से कोशिश की और नफ्स ही आया और ना कोई आपको बताने वाला मुर्शद था जिसने बताया कि जी ये हक़ है या नहीं है क्योंकि मुर्शद भी इसी किस्म के ना आजकल वो खुद अपने नफ्स के तहत चल रहे थे तो उनको क्या पता तो इल्ला माशा के अगर कोई उस लेवल का आपको मर्शद मिलेगी जो आपको बताए कि ये आपके नफ़्स की तरफ से है और ये हक़ की तरफ से है और उसमें वाज फ़र्क करके समझाए और फिर आपको पता चले कि वाकई इस तरह से बात है तो सादा लफ्ज़ों में तो इस मकाम तक पहुँचना मुश्किल है मुझे नहीं लगता कोई पहुँच सकता है वो हक़ से हक़ को पाने का जो मतलब मुराद यहाँ पर लेकर हक़ से हक़ को पाने की कोई एक आद मिसाल अगर कोई है आपके माइंड में तो वो बताएं ताकि कैसे हक़ को हक हक से को पाने की मुराद ये है ना कि पहले तो हक़ से मुराद पहले हक़ से मुराद साथ हक हाँ नहीं, <laughs> नहीं है वो हक नहीं ही है कि पहले आप हक पे आए हक बात पे आए हक बात से मुराद देखे हाँ। जब आप कह रहे हैं कि हक से हक को पहचानो अब बंदे को क्या पता लगेगा हक तो मैं कह रहा नहीं पहचान हक को पहले तो पता चलेगा कि हक क्या है हाँ पहले पता चले हक क्या है अब देखें हक क्या है जी आप कहते हैं कि मखलूक किसी भी मखलूक जो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया हुआ है कि तुम मखलूक के साथ रहम करोगे तो मैं तुम पे रहम करूँगा मखलूक के ऊपर रहम करना एक हक़ की एक, एक सिफ है ठीक है, है? है आपने मखलूक के ऊपर जब रहम किया तो आपने हक से हक को पहचाना ये मखलूक के ऊपर कि उसके सिफ के साथ आप मत, मत, मतलब मुतफफ़ मतलब 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 हुए, मतलब हुए हैं ना जब उसके सिफ को अपनाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे उस हक से हक को पहचानेंगे ये चीज़ है असल में मुतिफिफ होंगे तो पहले आप उस हक तक मतलब हक तरीके से वो काम कर तरीके रहे हैं। से हक तरीके से लेकिन लाजमी नहीं, नहीं है कि नतीजा भी उसका हक ही निकले मसला ये भी है ना नहीं वो तो आपकी नीत के ऊपर डिपेंड भी है हाँ, ना उसमें, नहीं, नहीं, उसमें नहीं, तो बहुत तो सारी, सारी चीज़ें फिर आ जाती हैं उसमें तो दो मसले आ जाते हैं लेकिन हक जो बात है वो तो यही है जो पहली हक बात तो यही है कि इससे यही समझ लें कि आप स्टेप एक उठाएंगे अब वैसे तो देखें जी इंसान भी तो एक उसकी अपनी एक हकीकत है वो भी एक हक है इंसान एक इंसान को हक कहेंगे कि इंसान भी एक हक है ठीक है अल्लाह ताला हक़ हक़ तो है ही है ना वो तो मतलब सब का ही हक़ है ना इंसान इन, की एक हकीत, हकीकत है वो अपनी जगह पे एक हक़ है और जब उस हक़ के साथ आप उस उसकी सिफ्त के साथ मुतसिफ़ होंगे उस सिफ्त के साथ मुतसिफ होकर उस हो उसके साथ मिलेंगे तो तब वो हक़ तक आपकी रसाई जो है मुमकिन बनाएगा फिर आप हक़ से आपको पहचान सकेंगे ये सही शाह कह रही हैं जी अस्सलाम फवाद फहद अवान साहब जहाँ ये भी देख रहे हैं मोहम्मद सुल्तानफी कह रहे हैं जी हक़ से हक़ को पाने वाला टॉपिक तो हमने किताबुल हुजुम में भी पढ़ा है शायद शायद पढ़ा था पढ़ाई मेरे जहन में, में तो नहीं आ रहा है तो असल में इसमें वही मसला है ना कि एक कारी एक कारी तो नहीं कहना चाहिए कि एक जो सूफ़ी है सूफ़ी है ना अगर वो बग़ैर मुर्शद के चल रहे तो कभी भी हक़ से हक़ को नहीं पा सकता अगर वो एक हक़ को पाएगा भी तो दूसरी तीसरी दस जगहों पर गलती कर लेगा ना शैतान उसको बेकार देगा कि जी हक नहीं है शैतान हमेशा यही करता है कि बातिल को हक़ बना के पेश करता है आपके सामने आप उसको कबूल कर लेते हैं या आपके नफ्स की किसी चीज़ को ही हक बना के कबूल कर लेता है जिस तरह के कुरान जीत में भी अल्लाह ताला कहता है कि उनके अंभाल उनके लिए मुजैन कर दी गई तो मसला सारा यहीं पर आएगा कि जो बंदा बग़ैर मुर्शिद के चल रहा है या जिस जिसको जिसकी रहनमाई हक नहीं कर रहा वो आग से हक को पा ही नहीं सकता किसी सूरत भी जब पा ही नहीं सकता तो उसके पास एक ही चॉइस है कि वो नफ्स के थ्रू ही चलेगा नफ्स के थ्रू चलेगा तो जो भी बात करेगा उसके उलट के उसके नफ्स वाली बात ही उसके सामने आएगी वो समझेगा कि यही अक है लेकिन वो हक नहीं होगा वो नफ़्स होगा अच्छा जी अगला लतीफ़ा है ए बंदे तो उस चीज़ से अपने जैसों पर बुजुर्गी कैसे जता सकता है जो तेरी नहीं तो वैसा क्यों नहीं बनता जैसा कि कलीमुल्ला ने कहा बेशक मैं तेरी तरफ़ उतारी गई खैर का मोहताज हूँ फोर्टी सेवन नंबर अशिया जनाब इसका ये भी देख लेते हैं अच्छा ये अशिया फजूसम में से है जी शेपर फरमाते हैं कि जब अजरत मूसा मदीन गए तो वहाँ दो लड़कियों को देखा और उन्हें बगैर उजरत के पानी भर दिया फिर किसी साय के नीचे खुदाई साए के नीचे होली और बोलिए यार अब जो खैर तूने मुझ पर उतारी मैं उसका मोहताज हूँ बस आपने पानी पिलाने वाले अपने अमल को एन खैर तसवर किया जो अल्लाह ने आप पर उतारी और ख़ुद को उस खैर में कि जो उसके पास से है फकर ललल्ला से मसूफ़ किया बात इससे वाजह होगी है बिल्कुल भी ऐ बंदे तो उस चीज़ से अपने जैसों पर बुजुर्गी कैसे जता सकता है जो तेरी नहीं अब इससे क्या मुराद है वो बढ़ाई बढ़ाई जो तेरी नहीं है जो तुझे ताकत दी गई है जो तेरे तेरे पास जो जो चीज़ जो अल्लाह ताला ने तुझे मनस के तौर पे दी है तू उसको अपनी समझ गए तो उसके ऊपर बड़ा कड़ रहा है वो तेरी है नहीं वो किसी की दी हुई है उसके उसको, उसके उसको ऊपर तेरी खैर जो तू तेरे से जो खैर तेरे का अमल से हाँ, हो रहा है वो जो तू कर रहा है हाँ वो अल्लाह की तौफीक से कर रहा है ना तू ये क्यों समझ रहा है कि उसमें तेरा बड़ा कोई अमल दखल है तो उसकी तरफ इशारा है और बाकी तो फिर दूसरा तो मूसा की मिसाल तो दे ही दी ना कि जी हजरत मूसा ने उनकी मदद की तो ये तो नहीं कहा कि जी मैंने तुम्हारी मदद की है या बड़ा नेकी का काम किया उन्होंने कहा कि जी अल्लाह मैं तेरी तरफ़ से तारीख़ खैर का मोहताज हूँ इसी वाले से शेख की जो किताब एक आ रही है ना उसमें शेख ने बड़ा ज़बरदस्त वाक़ लिखा है शेख के शागिरद थे अपने सौदकिन उन्होंने शेख से पूछा कि जी क्या आपको नहीं पता कि अल्लाह आप जो नहीं है बाकी मखलूक पर अल्लाह ताली ने आपको बड़ी फजीलत दी है तो यानी इस तरह से सवाल किया ना कि जी देखें आप तो बड़े अला दर्जात वाले हैं और हम छोटे दर्जात वाले हैं तो अब जहरी बात है सवाल किया फिर शेख़ ने इसका जवाब भी देना था तो शेख ने जब बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया शेख ने फरमाया कि जी देखिए मेरे अंदर जो एक सिफत है इलम की इलम की सिफत अगर आप इस मुराद लेते हैं मेरे अंदर अगर इलम की सिफ्त है तो वो सिफ़्त तो अल्लाह ताला ने मुझे था कि मेरी को अपनी खसूसियत तो है नहीं लेकिन अगर किसी वो मुझे दी और मेरे अंदर वो कायम हो गई तो देने वाला तो वही है और किसी दूसरे को अगर ना दी उसके अंदर जेल की सिफ कायम हुई तो कहते हैं इस जगह पे ज़ात से अफजल करार नहीं कहीं दी जाएगी बल्कि ये देखा जाएगा कि इसकी ये सिर्फ दूसरे की सिर्फ से अफजल है ना इसमें अंदर इलम की सिफत है दूसरे के अंदर जैल की सिफ्त है तो उसका मतलब है ये सिर्फ दूसरे से अफजल है तो कहते हैं ये सिर्फ फिर किसने दी उसको देखा जाएगा जब पता चल गया कि सिर्फ अल्लाह ताली ने दी है मेरा तो उसमें कोई कमाल नहीं है क्या मैं खुद से वो सारा इलमया जिस मतलब जो भी उसकी तरफ आप रहाई कर रहे हैं जो शेख के शागिरद बता रहे थे कि कर लेते तो कहते हैं कि जब मेरी तरफ नहीं है तो फिर मैं मैं अपनी बड़ाई किस्त से जताऊँ या मुझे तो कोई बड़ाई इसमें नज़र नहीं आती तो वो भी इससे मिलती जुलती बात ही है कि जो ये लतीफ़ा है जमान भट्ट साहब सलाम कह रहे हैं सोहेब खान साहब सलाम कह रहे हैं और साहब सलाम कह रहे हैं तो ये सारे कमेंट्स हैं अच्छा जी अगला हम पढ़ते हैं लतीफ़ा क़्यामत की घड़ी आन पहुँची लोगों का हिसाब करीब आ चुका और गफलत में मुँह फेर रहे हैं अगर ये गफलत छोड़ें तो होशियार हो जाए अगर होशियार हों तो जानवरों की ज़ुबानें सुने गधा कहता है छोड़ इसे इसे तो सर पर मारा जा रहा है और गाय कहती है मेरी तख्लीक इसलिए तो नहीं हुई मैं तो खेती बाड़ी के लिए पैदा हुई हूँ अच्छा ये बहाइम का चूँकि बयान था ना तो ये अभी जानवरों का जिक्र उसमें आ गया बहाइम के वाले से इसका अशिया भी है अड़तालीस नंबर वो देख लेते हैं वो क्या चीज़ है अच्छा 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 ये इस तरफ जा रहा है शेख अकबर फतवाते मक्िया में फरमाते हैं कि जान ले के जानवर इंसान में दायर आख़रत के मामलों में और उन हक़ के जिन पर यह वजूद मुश्तमिल है में से वो कुछ जानते हैं कि जिसका इलम बाज़ लोगों को नहीं यानी कि जानवर कश्यप से वो चीज़ें जानते हैं जो हम बंदा नहीं जानता जैसा कि किसी ने बयान किया कि उसने एक शख्स को गधे पर सवार देखा और वो एक छड़ी गधे के सर पर मार रहा था उस शख्स ने इसे सर पर मारने से मना किया तो गधा इससे बोला इसे छोड़ दो क्योंकि ये अपने सर पर मार रहा है सो गधे ने उसे गधा करार दिया वो गधा जानता था कि इसे पूरा बदला दिया जाएगा जो उसके साथ कर रहा है और उसका कहना इसे छोड़ दो कि गधा जानता था कि अल्लाह के नज़दीक उस उस गधे के लिए भलाई है या ये वो जानता था कि उसने इस शख्स का हक़ अदा नहीं किया कि मुशक्र होने में उसके लिए तख्लीक हुआ सो वो जान गया कि वो मार का मस्क है वगैरह वगैरह इस बात से उस गधे ने इस शख्स को तंबी की तो असल चीज़ तो बुनियादी नुक़ँ वही है कि शेख ने यह बताया कि जी जानवर जो हैं वो कश्यप से वो चीज़ें जानती हैं कि जो अक्सर इंसान नहीं जानते तो बाकी तो लतीीफ़ा उससे रिलेटेड ही है कि की घड़ी आन पहुंची लोगों का हिसाब करीब है और गफलत में मुँह फेर नहीं है तो गफलत में मुंह फेरने से बात मुराद यही है ना कि जहरी बात है कि उनको तो इधरक ही नहीं है ना उनको कशफ है ना उनको बाकी चीज़ों के ध्राक है तो वो किस तरह समझ सकते हैं तो शेख ने कहा कि गफ़लत छोड़ें तो होशियार हों होशियार हों तो जानवर की जबानी सुनाए यानी उनको कशफ़ हासिल हो जाए तो भी देख लें तो गधे की आवाज़ भी सुन लें कि गधा क्या कह रहा है और गाय की आवाज़ भी सुन लें कि गाय क्या, क्या कह रही है तो मेरे ख्याल में तो यही है इसमें बाकी अगर कुछ और भी ऐड करना है तो बताएं आप इशारा जिसने मखलूक पर हुक्मरानी चाही तो अल्लाह ने उसे ऐसा मसरूफ़ किया कि उसने इसकी क़दर ना की लेकिन अगर ये उसे बिन मांगे अता की गई और वो इससे खाली हाथ बार आया तो उसने इसकी कदर की ये तो आजकल के दौर के मुताबिक ही है नहीं तो आजकल के तो क्या शुरू से ही हुमरानी हर बंद चाहते हैं बिन मांगे तो खैर कोई भी नहीं इधर होता बिन मांगे तो यही है कि अगर कोई कोई सूफी है या कोई वली है तो उसको छोड़ दे तो बाकी तो हर बंदा यही चाहता है कि मुझे हुकूमत मिले अरे जी छोड़ना तो उन्हें द्रुक के बाहर निकालना पड़ता है वैसे छोड़ के कोई नहीं जाता द्रुक के भी निकाला है तो फिर वो दोबारा तो से अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं कौन सा निकल के ये तो बिल्कुल वाजह है इसमें तो कोई ऐसी बात है ही नहीं कि बंदा इसमें कोई तशरीह की जाए ये तो वाजह है कि जिसने मखलूक पर रुकमरानी चाहिए तो फिर अल्लाह ताला ने उसको मसरूफ़ कर दिया और ना उसकी कदर हुई ना उसकी कोई और जिसको बिन मांगे ता हुई तो फिर अल्लाह ने उसकी उसकी मदद की मतलब ये तो दीस भी है कि खिलाफत या हुकुमरानी तो मत तलब करो नहीं तो तुम उसमें मसरूफ़ हो जाओगे या उसमें ही खप जाओगे कुछ तरह से है और अगर तुम नहीं चाहोगे तो अल्लाह तुम्हें देगा तो फिर वो तुम्हारी मदद भी करेगा मोमिन का कल बल्कि हम लोग ये पर, परसों जो पढ़ रहे थे कि मोमिन की मदद की जाती है हाँ मोमिन की मदद की जाती है वो तो खैर चलो है ही है अच्छा ये अगला इशारा बड़ा आ गया इशारा ए वली मेरी ये नसीहत याद रख जब कोई शायद तुझे अनल हक अनिले तो उसे कह अन बिल हक़ यूं वो फ़ना हो जाएगी और ये लाजम है मेरी इस वसीयत को याद रख रहा सलूक में तुझे इससे फ़ायदा होगा अनल हक अगर कोई कहे तो शेख कह रहे हैं उसे कहे अन बिल हक यानी कि तू हक़ से है तू हक़ नहीं है तू हक़ से है ठीक है ना हक तो नहीं है ना हक़ से ही है इसमें भी वाजही है इसमें तो कोई तो तो दुखी तो भी बात तो है कोई नहीं कहीं जिन्होंने अनल हक भी कहा है तो वो फिर शेख ने तो उनको कहा है कि जी उन्होंने अनलग जो है वो हक पे नहीं थे इसलिए उन्होंने कहा अगर वो हक पे होते तो ना कहते तो यहाँ पे भी तो यही है कि जिसने अनलग कहा अगर तो उसने ये खुद कहा तो वो ठीक नहीं है अगर तो उसने कहा कि मैं हक से हूँ तो वो ठीक है ये शेख कह रहे हैं कि अगर कोई तुझे कहे अनल हक तो तू उसको क्या है अनता तू तो सारी बात नहीं कह रहा ना मतलब कोई बंदा अगर तेरे सामने आ कहता है मैं अनल हक यानी वो 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 कहता है तो तू उस बंदे से कह या उस शायर से कह अन बिल हक तो कहते हैं वो शायद जायल हो जाएगी अगर वो तुझे कहती है कि हाँ। तू नहीं वो तुझे नहीं कहती वो खुद को कह कहती, है, को कहती है ना मैं वही कह रहा हूँ ना वो, वो कहता है अनल हक अनिलक हाँ। जैसे अनल हक वाला नारा लगाया था म, म, मंसूर साहब ने तो वो उन्होंने अनल हक कहा था अगर को होता सामने उनके तो वो अगर ये कहता तो वो जायल हो जाता काम हो सकता वो ठीक हो जाते तो उनके सामने शायद किसी ने नहीं कहा तो तो नहीं 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 कि तू उसको जो भी फना समा की वो अपना मतलब कहते मेरी इस वसीयत को याद रख रहा है सलूक में तुझे इसका फायदा होगा मतलब ये एक तो तोहरी बात है ना बंदर में तो ये वाला टाइम आता आता ही आता है ना जो मर्जी हो ये जो है ना लाख वाली कहानी है ना ये आप जब किसी ना किसी स्टेज पे पहुंचेंगे और आपके साथ मामला ऐसा भी से वो भी है ना कि अगर किसी के सामने कोई हक शैतान हक की सूरत में आगे तो उस सूरत में भी है ना कि वो ज़ाहल हो जाएगा उसका वार यानी कि जाहल हो जाएगा कि जिस तरह से वो भी है कि किसी बुजुर्ग के सामने आया मैं हक हूँ और मैं तेरी नमाजें माफ़ करता हूँ इस तरह की बातें बाकी काफी लोगों से हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं जी तो शायद कह रही है कि उस सेंस में रय सलूक में फ़ायदा होगा क्योंकि राय सलूक में तो तुझे इस तरह की चीज़ें शैतान लाजमी तेरे पर अटैक करेगा ही करेगा ना तो ये यहाँ पर जनाब ख़त्म हो गया हमारा दो सौ पचपन नंबर सफ़े प्यालबहम का बयान ख़त्म हुआ है तो उसके बाद अभी एक मिनट का वक़ा करते हैं अगर किसी का सवाल है तो कर ले नहीं तो फिर इन शह आगे चलते हैं तालिब मुनिर साहब कहते हैं मन न मी अनल हक यार मी गोयम ब कहते हैं, मैं तो नहीं कह रहा ना लाख मेरे यार ने मुझे कहा कि तू कह यार खुद तो, तो तुझे पसार है <laughs> नहीं कौन सा यार अभी मुझे पता ना ये अब यार उसको कह रहे हैं ना वो कह रहे हैं वो मुझे कह रहा, तू नहीं अगर वो, वो, तो वो कह रहा है ये कह ये वो वो तो फिर तो ठीक है वो कहते हैं नहीं यार खुद को कह रहा है कि मैं अना लाकू ये नहीं कह रहा अच्छा अब ये फारसी का है जो फारसी का मतलब ये है कि मैं तो नहीं कहता ना लग यार ने मुझे कहा है कि तू क्या तो यही मैं कह रहा ना यार ने मुझे कहा है कि तू क्या लग नहीं यार ने इसको कहा ये हक नहीं है वो यार ने कहा, ने कहा कि तू क्या है कि मैं ही आकू मैं आंकू लेकिन उसने अपने को तो नहीं कहा ना मन ने तो नहीं कहता लेकिन वो कह दिया उसने जब पहले जुमले में कहा ना कि मैं नहीं कहता इसका मतलब है कि वो अपनी अना अपनी अना से नहीं कह रही है हमने किताब लू में पढ़ा था ना कि अना जो है एक तेरी अनाइयत है एक हक की इनायत है अगर तूने हक़ की अनाइयत से कहा है तो तूने तो कहा ही नहीं ना फिर तो हक ने कहा सिर्फ़ तेरी ज़बान से कहा ये उस सेंस में उस शेर को लिया जाएगा कि जी या मन नमी गोया गो या हक यार मी गो या गो तो अगर तूने अपनी अनाइत से नहीं कहा तो तूने कहा ही नहीं जब तूने कहा ही नहीं तो फिर तो मसला ही नहीं ना जब तूने अपनी अनाइत से अनल हक़ कहा तो उस वक्त तो मसला होगा क्योंकि तू तो हक़ नहीं है ना तब तो उसकी जगह पर फिर शेख का ये लफज लाया जाएगा कि अन तबिल हक कि तू हक से है तू हक़ नहीं है तो ये तालि मुनीर साहब का जो फारसी शेर किसी का उन्होंने पढ़ा था लेकिन यहाँ पे भी वही कहा जाएगा कि तू से है तू हक नहीं है इस जगह पे भी अगर वो अगर, अगर यार वो... कह रहा तो यार तो हक ही है ना यार अगर यार वो है तो फिर तो हक ही होगा ना जिस तरह से शेर में मरात है शेर ही हो नहीं शेर में दूसरा यार तो मरा नहीं है तो सूफिया शेर है ना